हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड डिवाइसेस के बारे में। क्या हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस पे एंटीवायरस होनी चाहिए या नहीं? सो बेसिकली हम हमेशा एंटीवायरस रख लेते हैं ये सोचते हुए कि चलो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। पर क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐप और एंटीवायरस हमारे सिस्टम को भी स्लो करती है। सो एंटीवायरस बेसिकली करता क्या है, हमारे सिस्टम्स में जो वायरस है, मेलवेयर हो, स्पाइवेयर हो, इन्हें रिमूव कर देता है। और ये आते कैसे हैं? ये आते हैं किसी एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ ही, एंड्रॉयड के केस पे ये एप्लीकेशन के साथ ही आ सकते हैं। MP3 टेक्स्ट फाइल उनके साथ आ नहीं सकते, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग बात है। पीसीस पे भी हो सकता था कि वो डॉक फाइल के साथ आगे वगैरह वगैरह, बट एंड्रॉयड .apk होना ही चाहिए, तभी वो वायरस हो सकता है, अदरवाइज वो वायरस नहीं हो सकता है। ओके, तो इससे ये क्लियर है कि वो वायरस ही APK की फॉर्म भी होनी चाहिए। और सारे APK हमारे पास कैसे आते हैं, प्ले स्टोर से। सो अगर सारे के सारे एप्स हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और फ्री म्यूज़िक, फ्री मूवीज़ एट्सेट्रा चीज़ें हम डाउनलोड नहीं करते हैं, तो हमें एंटीवायरस नहीं रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सोर्सेज जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उनसे वायरसेस नहीं आ सकते हैं, मैलवेयर स्पाइवेयर कुछ भी नहीं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर कुछ अदर सोर्सेज से हम डाउनलोड करते हैं तो ये ज़रूरी है, और स्पेशली MP3s वीडियोज़ उनके साथ आ जाते हैं। और आपने देखा होगा अगर आप फ्री साइट्स एक्सेस करने जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऐड होती है, और ऐड के साथ साथ किसी किसी ऐड में ऑटो लिंक प्रोवाइड की जाती है, और उसमें ऐप डाउनलोड करने की ऑप्शन दी जाती है, और बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आते हैं। सो इनकी यूज़ करनी नहीं चाहिए, इनके सर्विसेज यूज़ करनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप यूज़ करते हैं तो एंटीवायरस मैंडेटरी है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और ऐसे टेक्निकल वीडियोस आप रेगुलर चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर टैप करें, ऑटो सब्सक्राइब हो जाएंगी। और इससे बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ, आपके पास मेल पर नोटिफिकेशन चली जाएगी, और उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।